हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। मैं दोस्तों इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप एक ही मिनट में दोस्तों आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से आप जान पाएंगे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं और बेल घंटे भी आपके पास आ जाएगा, उस पर भी क्लिक करते हैं ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या तो फिर आपके पास फोन होगा उसे ओपन करेंगे, तो उसमें आपके पास कोई से भी ब्राउजर हो, चाहे क्रोम ब्राउजर या फायरफॉक्स हो, उसे ओपन करना है। जब ओपन करेंगे दोस्तों तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार नजर आता होगा, सर्च बार पर आप क्लिक करें और यहाँ पर सिंपल से आपको टाइप करना UIDAI। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ तक आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जैसे लिंक पर आप क्लिक करेंगे या तो फिर यहाँ पर सर्च करके आएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा UID.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव, यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड का जो भी काम करना चाहेंगे इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे काफी सेक्शन बना हुआ है, इन सेक्शन में से आपको नीचे स्क्रॉल आउट करते हुए आना है। यहाँ पर आपको नजर आता होगा आधार सर्विस, देख सकते हैं आधार सर्विस आपको नजर आता होगा। उससे नीचे दोस्तों आपको नजर आता होगा वेरीफाई एंड आधार नंबर, सिंपल सबके इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे आपको 12 डिजिट आपके पास आधार नंबर होगा उसे फिल करना है और यहाँ पे जो डिस्प्ले पर आपको कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ पे फिल करना है। और जैसे फिल करके प्रोसीड एंड वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके आधार कार्ड का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे आधार नंबर कैप्चा फिल करता हूँ, उसके बाद प्रोसीड पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर दिया, उसके बाद कैप्चा भी फिल कर दिया, उसके बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसीड एंड वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका काफी सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। यहीं पे दोस्तों आपको नजर आता होगा, सबसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या डिटेल आया हुआ। यहाँ पे सबसे पहले एज आपका शो हो जाएगा, उसके बाद जेंडर, उसके बाद स्टेट और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे नल आपको नजर आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नल, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर एक और आधार कार्ड में लेता हूँ जिसमें मोबाइल नंबर लिंक है। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ से इस तरीके से दोस्तों आप पता कर पाएंगे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो किस प्रकार से शो होगा। तो इसके लिए दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ फिर से मैं अपना वेरीफाइड आधार नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेम है दोस्तों, मैं दूसरा आधार कार्ड नंबर टाइप करता हूँ जिसमें मोबाइल नंबर लिंक है। यहाँ पर जो कैप्चा आपके पास नजर आता है उसे भी फिर से मैं फिल करता हूँ। आधार नंबर कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगा एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। यहाँ नीचे की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है। सेम है दोस्तों यहाँ पे जो मैंने पहले चेक किया था इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आता होगा नल। अगर आपके पास नल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट आपके पास शो होता होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इजी वे में चेक कर पाएंगे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। यहां से आप इजी वे में पता कर पाएंगे, जिस भी मोबाइल नंबर में आपके लास्ट 3 डिजिट मैच करता है वही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको दो चीज बात कंप्लीट कर दिया। पहला कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, कैसे पता कर पाएंगे, जैसे इस केस में नहीं लिंक था, यहां नल लिखा। और दूसरा दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो जानने के लिए दोस्तों सिंपल से प्रोसेस सेम था। यहां देखते हैं इस केस में यहां पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होता होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।